एक पहला जो किरदार किया वो एक सशक्त भूमिका थी, दर्शकों का एक प्रेम है उन्होंने ऊंचाइयों पर बिठाया था। हाँ, कौन था? मैं जानती नहीं हूँ, कैरेक्टर के बारे में पता नहीं है, तो मैंने उसी में से एक छोटा सा 2 मिनट का गिन के वो क्लिपिंग भेजा था मैंने। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशन पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। क्या सफलता डराती है, नर्वस करती है? मुझे नर्वस करती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नया किरदार, नए प्रोड्यूसर, नए लोग, नए मेरे साथ जो एक्सपीरियंस 30 मार का कलाकार है, तो सबके साथ उनके साथ मैचअप करना और एक दर्शकों ने जिन ऊंचाइयों पर मुझे बिठाया है कोकिला के किरदार में, तो उनकी आशाओं पर खरे उतरना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई। लेकिन जो ये कोई आम बात नहीं है। आपने वो जो करेक्टर किया वो आइकॉनिक करेक्टर हो गया जी, तो जब जी, सालों साल करते हैं तो एक्टर के तौर पे वो जम जाता है बहुत ज्यादा, आप उसके साथ इमोशनल अटैच हो जाते हैं। जब दूसरा करेक्टर करते हैं तो डिटैचमेंट कैसे आया? बहुत बहुत प्यारा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैंने भाई इसीलिए 1.5 साल काम नहीं किया। मैं मतलब आमतौर पर सभी कलाकार कहते हैं कि हम थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, पर मैं दर्शकों को ब्रेक देना चाहती थी मेरे चेहरे से, क्योंकि उन्होंने 7-8 साल मेरे चेहरे को देखा, तो मुझे लगा कि अब उनके लिए एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है, उनके लिए एक गैप आना बहुत ज़रूरी है। तो उन जो साथियों के बाद अभी ये जो 1.5 साल हुआ है, इसमें मैंने जो मतलब मैं बहुत धार्मिक हूँ तो बहुत सारे धार्मिक स्थल की मैंने मुलाकात की, दर्शन लिए, ईश्वर से आशीर्वाद मांगा, धन्यवाद किया इन सब प्यार के लिए। तो ये किरदार तो आपके काम को देखकर, आपकी बाकी चीज़ों को देखकर मिला जी, आपके एक पहचान जी। लेकिन जब कोकिला में इनका किरदार मिला जी, वो किस तरह से मिला? वो दरअसल कोकिला किरदार मुझे पवन सर और अश्विन मैम का शो है, और वो जब कास्टिंग कर रहे थे तो मैंने एक मेरी एक दोस्त है उसने मुझे कहा था कि इस तरह का एक किरदार है सास का, तो तुम ज़रूर एक 2 मिनट का तुम्हारे उसमें मोबाइल से कोई भी तुम्हारी क्लिपिंग भेज दो। तो एक क्लिपिंग भेज दी और बस मुझे बुला लिया, और मैं वाकई नहीं जानती थी कि ये इतना मजबूत किरदार है और इस किरदार को इतना प्यार मिलने वाला है। तो क्लिपिंग में क्या भेजा था आपने? क्लिपिंग में मैंने जी नहीं, ऑडिशन नहीं था, मैंने एक रोल किया था 100 दाड़ा सासुना, मेहुल कुमार जो बहुत ही नामांकित प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उनके लिए एक शो किया था। तो उस शो की चूंकि मुझे समझ में नहीं आया कि अब 2 मिनट के क्लिपिंग में क्या भेजूं, और मैं जानती नहीं हूँ, कैरेक्टर के बारे में पता नहीं है, तो मैंने उसी में से एक छोटा सा 2 मिनट का गिन के वो क्लिपिंग भेजा था मैंने। तो जो करेक्टर डेवलप हुआ था, मैं उसी किरदार पे जा रहा हूँ, तो वो जो स्पेशल स्टाइल था कोकिला जो एकदम से रजिस्टर हो गया, वो आपका डेवलप किया हुआ था? नहीं, मैं ये कहूँगी कि कोई भी खूबसूरत चीज के पीछे एक टीम का बिल्कुल बहुत ही ज्यादा प्रयास होता है, मेहनत होती है। स्टार रश्मि मैम, पवन सर जो हमारे डायरेक्टर थे, और चूंकि मैं NSD से हूँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से, तो एक साइंटिफिक ट्रेनिंग मिली है, तो कहीं ना कहीं इन सब का, हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ चलने वाली है तो सब चीज़ें अपने अपने ग्रह अपने स्थान पर आ जाते हैं, तो इन सारे लोगों ने इतनी मुझे मदद की, और जाहिर सी बात है मेहनत भी होती है, तो इस सब का समागम इज इक्वल टू कोकिला मोदी, और सबसे सर्वोपरि दर्शकों का निस्वार्थ प्रेम। तो कोकिला में मोदी जब हिट हो गए, सब कुछ हो गया, अब ये वाला करेक्टर आपको मिला, तो अब मैं डरी हुई नहीं, डरी हुई नहीं, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, तो अब आपने डायरेक्टर का परसेप्शन समझा या कि नहीं, यार मैंने क्योंकि करेक्टर ऐसा किया वो ऐसा रजिस्टर हुआ तो मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं? आपने बहुत दूसरा भी बहुत प्यारा सवाल पूछा। आमतौर पर कलाकार के मन में ये भावना आ जाती है कि हमने एक मजबूत किरदार किया है तो दर्शक हमें ऐसा ही पसंद करते हैं, हमें ऐसा ही करना है, और हम कोशिश में रहते हैं कि हम उसी के आसपास कुछ करें ताकि हमारे दर्शक हमें प्रेम करना ना छोड़े। पर मेरा ये मानना है, चूंकि एक NSD बैकग्राउंड से आई हुई हूँ, थिएटर बच्चों का मैंने किया हुआ है, और मेरी ये अपनी सोच है कि कलाकार मिट्टी के पात्र जैसा होना चाहिए। मिट्टी का कोई स्वरूप या कोई एक शेप नहीं होता है, मिट्टी मिट्टी है, आप उसको गोला बना लो, आप प्लेट बना लो, आप उसके बर्तन बना लो, कढ़ाई बना लो, तो मैं हमेशा नए किरदार के वक्त मिट्टी बन जाती हूँ, डायरेक्टर राजन
शाही सर, आशीष सर जो हमारे डायरेक्टर है, चैनल स्टार प्लस, तो उन सब ने मिलकर मुझे जो फीडबैक दिया, जो ब्रीफ दिया, उन सबको मिलाकर अपनी बुद्धि लगाकर, अपनी मेहनत लगाकर एक किरदार को बनाने का मैंने भरसक प्रयास किया है। और दर्शकों से और आपसे विनती करती हूँ कि इसे बिल्कुल प्यार दीजिए और मेरी हिम्मत और मेरी शक्ति बढ़ाइए। बिल्कुल हमें शक्ति बढ़ाइए, बस आप थोड़ा सा हौसला उन लोगों का बढ़ा दीजिए जो नए फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। आप इतने सहज भाव से, इतनी सरलता से सफलता को लेकर बात करें, इसलिए मैं चाहूंगा कि प्लीज आप उनसे कुछ कहें। मैं सभी दर्शकों से जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनसे बस एक ही विनम्र विनती है, खूब पढ़ाई कीजिए और एक बैकग्राउंड के साथ आइए, क्योंकि मुझे लगता है आम तौर पर युवा पीढ़ी जो बहुत खूबसूरत है, जो बहुत अच्छे उनकी शरीर की संरचना है, तो वो बहुत पहले ही तय कर देते कि हमें एक्टिंग में जाना चाहिए। अच्छी बात है, खूबसूरती भी आपका 50% काम करती है। आप युवा है तो आप, आपकी 50% वो सब हो जाता है, पर 50% आपको अपने अभिनय पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर डेली सोप्स होते हैं सोमवार से शुक्रवार या सोमवार से रविवार, रोज़ आप दर्शकों के सम्मुख आते हैं, तो आपकी सुंदरता शुरू के एपिसोड में बिल्कुल वो मान्य करेंगे, पर उसके बाद वो दर्शक चाहेंगे कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने किरदार के कितने करीब है, या आप उस किरदार जैसे कितने लगते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू।